यहाँ पे चेक करो गाइस, वेलकम टू श्रीनगर। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पे नेटवर्क का जो काम है वो चल रहा है। 9:18 में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, 9:18। ये टाइम चेक करो गाइस, ये टाइम चेक करो अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से मेरे अपने ब्लॉग पे। सो गाइस, मैं आज लछौरी पे रुका हूँ और यहाँ पे रुका था। ये देख सकते हो, यहाँ पे ये हिंदुओं के लिए है रहने के लिए जगह, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो यात्री सब है उसके लिए रहने के लिए खास करके बनाया है। सो यहाँ पे मैं रहा था आज, बहुत ही अच्छा लगा। ये पहाड़ों पे है, ये देख सकते हैं, ये पूरे पहाड़ है और ये बरांडा है पूरा रहने के लिए। सो आज रात मैंने यहीं पे रखा था। सो बहुत ही अच्छा से सेवा सुहार करा हिंदुओं के लिए, तो थैंक यू सो मच। उत्तराखंड के प्यार हमें मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा, वो देखते हैं आगे क्या होता है। बट अब हम यहाँ से निकले हैं सुबह सुबह, सुबह के 7 बज चुके हैं, तो निकलते हैं फटाफट से। और बाकी भाई पहाड़ है तो देखना आगे की पहाड़ किस तरह के होती है। अभी हम लछौरी में है, सो लछौरी से निकल रहे हैं। सो गाइस, पूरी सेटअप हो चुके हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने पूरी सेटअप कर दी है। और ये है गुरु जी सब, चलिए इन सब से मिल लेते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो पूरा मैंने तैयारी कर ली है, पूरा फुल एंड फाइनल, तो अभी निकलेंगे। और गर्मी देखो भाई, अभी से चल रहा है, पहाड़ों पे भी गर्मी है। तो गाइस, कुछ इस तरह से गेट है, विश्व हिंदू परिषद अन्न क्षेत्र चिकित्सालय यहाँ पे भी है, दवाई वगैरह सब भी मिलता है। तो कल रात को मैं यहीं स्टे किया था, सो अभी निकलते हैं। फाइनली मैं रोड पर आ चुका हूँ, ये देखो भाई रोड पर आते ही कितनी धूप है और पहाड़ भी, तो थोड़ा चल लेते हैं 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया है, 1-2 किलोमीटर तो वो अच्छा रहेगा स्वस्थ के लिए। जय श्री राम। एंड भाई ना, अभी मैं जो साइकिल चला रहा हूँ उत्तराखंड में हूँ और श्रीनगर से 12 किलोमीटर पीछे हूँ, जहाँ पे मैं रह रहा था आज, तो वहाँ से मैं निकल चुका हूँ। और गाइस, सुबह सुबह धूप इतनी लगी है ना, पूरा पसीना हो गया है। ये चेक करो, ये है मेरा रोड। और गाइस ना, कितना लोग उत्तराखंड से देख रहे हो तो कमेंट करो, आई लव दिस उत्तराखंड। उत्तराखंड वालों, मैं नेपाल से चला हूँ केदारनाथ साइकिल यात्रा के लिए, कौन कौन देख रहा है उत्तराखंड से कमेंट करो, क्योंकि उत्तराखंड आई लव दिस प्लेस, बहुत ही अच्छा है उत्तराखंड। और जो नदियाँ बह रही है ना, वो भाई अमेजिंग, सबसे प्यारी। ये चेक करो गाइस, देवभूमि कैलाश से जाके केदारनाथ के फोटो दिया गया है। और हमने ये जो उत्तराखंड है अभी कैलाशी में छिट चुके हैं, तो अभी कुछ देर में हम श्रीनगर में होंगे। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है श्रीनगर। ओह माय गॉड यार, पहाड़ के रास्ता है ना, ये कैमरा सामने में लाने में बहुत दिक्कत होता है, ताकि वन मिस्टेक गेम फिनिश, तो इसीलिए। और ये चेक करो गाइस, नगर गढ़वाल अभिनंदन करता है। ओह माय गॉड, श्रीनगर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और चढ़ाया गया गाइस, अभी पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ पे चेक करो गाइस, वेलकम टू श्रीनगर, माँ धारी देवी मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, माँ कश्मीरी नदी मंदिर, गौरा देवी मंदिर और गणेश मंदिर, बहुत सारा मंदिर का नाम यहाँ पे लिखा है और मेरे साइकिल ये है। और यहाँ पे गाइस ने एक चीज़ है, यहाँ फ़ोटो वगैरह खींचना मना है, तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं कैमरा चेस्ट पे लगा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी यहाँ पुलिस था, चला गया, तो चलते नहीं कुछ नहीं यार, चलते हैं। अभी बहुत चढ़ाई है यार, चढ़ाई पहाड़ करते हैं अभी। ओह माय गॉड, ये चेक करो गाइस, लेकिन
पहाड़ देखो गाइज, इस रास्ते से जाना पड़े। आज हम रात रुकेंगे गुरुद्वारा जो कि रुद्रप्रयाग में है। ये पहाड़ देखो भाई, पहाड़ ऐसे, माय गॉड, नज़ारे के तक कुछ ठिकाना नहीं है गाइस। इतनी अच्छी अच्छी मिल रही देखने के लिए ना, बट एक प्रॉब्लम है क्या, कभी नीच कभी ऊंच, कभी मतलब ऐसे देखो कितना साइकिल रेस भाग रहा है, और कभी ना भाई 4 घंटा 2 घंटा 1 घंटा चढ़ाई पड़ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। हर हर महादेव शंभु, ओ माय गॉड, पूरी पहाड़ से ढकी हुई है। और अपना वाहन चल रहा है गाइस, चढ़ाई में हालत ख़राब हो गई है, पूरा थक चुका हूँ यार, साथ दो थोड़ा सपोर्ट दो आप लोग, सो आप लोगों से पर सपोर्ट चाहिए। पिछले वो देखो वो नीचे है, उस तरफ से चढ़ के आया यार। 2 घंटा हो गया, शाम होने वाला है, 6 बज चुका है शाम को, थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप सभी का। हर हर महादेव बोलो, जय श्री राम, हर हर महादेव। यार पूरा थक चुका मैंने अपनी लाइफ में ना यार, इतनी तकलीफ कभी नहीं उठाया जितना आज केदारनाथ जाने पे उठा रहा हूँ। सो यार थोड़ा आप सबको सपोर्ट चाहिए, खास कर केसरपुर नगर पालिका जितना लोग रहते हैं उन सब से सपोर्ट चाहिए मेरे को। मैं रास्ते से जा रहा था तो अभी गुप्त काशी से मैं ना 6 किलोमीटर पीछे हूँ, और गाइस जो डैम यहाँ पे बना है कुछ पानी के, एक बहावरे साउंड आप लोग को सुनाई दे रहा है साहब, ये चेक करो। ओ माय गॉड, ये गाइस साहब ये देखो इतनी साउंड आ रहा है ना, यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और यहाँ पे मेरी साइकिल है तो चेक करो, और मेरा फ्लैग, और यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, ये ना पूरा नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क कर रहा है यहाँ पे नेटवर्क कर रहा है, ये जो सिम का हर एक सिम का, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, सारे सिम का यहाँ नेटवर्क सिस्टम हो रहा है। तो क्या अभी हम जाएंगे बाईपास रोड से, क्योंकि ये रास्ता ना हमारे 10 किलोमीटर दूर है जब यहाँ पे मैं रुका हूँ, और हम जाएंगे उस रास्ते से, चेक करो उस रास्ते से ऐसे करके हम जाएंगे। और यहाँ जो आपको सुनाई दे रहा होगा ये भाई ना काफ़ी ज़्यादा साउंड है, देख सकते हो कितनी मतलब यहाँ इतनी शीतल लग रही है ना, ठंड लग रही है पानी के वजह से, यहाँ कुछ डैम वगैरह है, बिजली वगैरह शायद उत्पादन होगा। तो निकलते हैं क्योंकि आज हमें ना गुप्त काशी में रुकना है, और एक छोटू मिला था दिल्ली से, उसका साइकिल कुछ डैमेज हो चुका है तो वो लिफ्ट लेके गया है, अभी मेरा नंबर लेके गया है, बोला है छोटू के गुप्त काशी में मिलेंगे, तो चलते हैं मिलते हैं फटाफट से गुप्त काशी में। छोटू से क्या कैसे आया वो दिल्ली से, इतना छोटा बच्चा मतलब 8-10 साल का होगा ज़्यादा नहीं, तो चलते हैं मिलते हैं गुप्त काशी पे। ये देखो पहाड़ कितने, यहाँ से मैं साइकिल लेके आया और अभी पे इधर पे जा रहा हूँ, ये पहाड़ देखो। और शाम हो चुके हैं भाई, क्योंकि हमने अभी रुकने का व्यवस्था नहीं मिला यार, तो गुप्त काशी पे रुकेंगे। और देखिए ये पानी का बहाव कितनी ज़्यादा है, तो भाई जी बोल रहा था कि यहाँ से निकल लो, ये पहाड़ हो रहा खस जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम निकलते हैं। ये देखो यार मतलब हम लोग ना इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमारा भीज़ वगैरह नहीं आता है, क्यों यार, मतलब कुछ कमी हमारे मध्य प्रदेश का एक ही लड़का है जो ट्रैवलिंग कर रहा है केदारनाथ के लिए। तो यार सपोर्ट करो आप सभी लोग, वैसे तो आप लोग सब नाचने गाने वाले के इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत कोई इतना मेहनत कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, नेपाल से केदारनाथ की यात्रा कर रहा है, और वो भी ऐसे जगह पर देख सकते हो इस तरह से, न रुकने के खाने पे पीने के कुछ भी के ठिकान नहीं है, विदाउट मनी ट्रैवल से कहाँ पर रुकेंगे कहाँ पर ठहरेंगे आज रात वो भी नहीं मालूम। बट आप लोग सब थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा मोटिवेशन करो हमको, और कुछ नहीं 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब हमें कमेंट बहुत ही हमको ना मोटिवेट करता है। सब लोग सब थोड़ा सपोर्ट करो, बाकी अपनी जर्नी स्टार्ट रहेगी। सो देखते हैं आज गुप्त काशी पे रुकते हैं। तो ये रहा अपना साइकिल पानी को बीचों बीच, और ये देखो पहाड़ वहाड़ पूरा टूट चुका है इस रास्ते से, और पानी इसमें से चू रहा है, देख सकता नीचे देखो पहाड़ के पानी चू रहा है ऊपर से, न जाने कब पार खस जाएगी। सो हमें जल्दी से निकलना होगा यहाँ पे, ज़्यादा देर रुकने के लिए ही है, ज़्यादा देर रुकने के लिए तो निकलते हैं फटाफट से।
ये चेक करो गाइस, पूरी रात हो चुकी है और अभी भी हमें ठहरने की जगह नहीं। मैं बहुत ही ऊपर आ चुका हूँ, बहुत ही ऊपर और पहाड़ में हूँ। ये देख सकते हो पूरा नाइट, ये रास्ते है भाई सामने, ये रास्ते क्या ही बताऊँ। गुप्त काशी में जाने के लिए हमें ना 2-3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, बहुत चढ़ाई है यार ना। पिछले 2 घंटे से चढ़ रहा हूँ और जो ऊपर से मैं नज़ारा देख रहा हूँ, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये मेरी साइकिल पूरी, ये मेरी लाइट जल रही है, ये साइकिल की लाइट जल रही है, पूरे रात हो चुका है। ये देखो ये मेरी साइकिल है। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करो। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ श्री विश्वनाथ मंदिर में। ये रहने वाला आज रात का, तो यहाँ पे मैं आज रात स्टे करूँगा। और भाई जो केदारनाथ का अपडेट आया है, वो केदारनाथ तो बंद पड़ गया अभी, क्योंकि पास भारी वर्षा के कारण वो रास्ता वगैरह पूरा टूट चुका है। तो मैं यहाँ के आप सभी का दर्शन करा देना चाहता हूँ, सेम टू सेम केदारनाथ जैसा ही सेम। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, यहाँ पे इस तरह के कुछ। तो रात के सीन है, आज मेला लगने वाला आज रात में, तो पर्यटक सभी आए हैं बट वो बाहर है, अंदर अभी नहीं आया है। और गाइस ना 9:18 में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, 9:18। ये टाइम चेक करो गाइस, ये टाइम चेक करो, अभी पानी पड़ रहा है। 9:18 में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो आप सबके लाइव दर्शन कराऊँगा मैं अभी कुछ देर के बाद। देखना किस तरह होती है, या तो मैं सुबह लाइव दर्शन कराऊँगा, अभी नहीं, सुबह सुबह मैं आप सबको लाइव दर्शन कराऊँगा। तो मिलते अगले नेक्स्ट वक्त। जय श्री राम, जय हनुमान, मिलते अगले नेक्स्ट वक्त। सबसे बाय, जय नेपाल।